अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ सायरा खान और आज आप देख रहे हैं मेरी न्यू वीडियो जिसमें मैं बनाना सिखाऊंगी आपको बआसानी शकरकंदी, वो भी पतीले में। सबसे पहले हम शकरकंदी को थोड़ी देर भिगो कर रखेंगे ताकि इसकी मिट्टी जो है वो अच्छी तरह हट जाए और ये अच्छी तरह साफ हो जाए। ये देखिए व्यूवर्स, हमने अपनी शकरकंदी को अच्छी तरह धो दिया है। अब हम इसमें जो है किनारे काटेंगे। अच्छा, ये हम जो है ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो आपको पता है ये जो इसका मेन जो पॉइंट है वो है अच्छी तरह धुलना। तो यहाँ किनारों से ये बाज़ों का साफ़ नहीं होती है और स्टीम भी अंदर तक सही नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए हम मेरे से किनारे हटा कर फिर इसे स्टीम पर लेकर जाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर स्टीम के लिए पतीला जो है वो नॉर्मल फ्लेम पर रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आधा गिलास पानी। और ज़रूरी बात कि हमें जो है वो इसके लिए एक अदद रुमाल की ज़रूरत पड़ेगी। साफ़ सुथरा रुमाल लेने के बाद इसे जो है आपने ढीला कर देना और ढीला करने के बाद इसे अच्छी तरह निचोड़ कर यहाँ रख देना। हमारा पानी हो गया है थोड़ा बहुत गर्म, तो हम अपनी जो है शकरकंदी इसमें शामिल करेंगे। अब हम डाल चुके हैं पानी में इस अपनी शकरकंदी। आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ रहा है, तो हम जो है इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। फिर उसके बाद स्टीम देने के लिए हमने जो है वो अपने ढक्कन को जो है एक रुमाल में जो है कवर कर दिया है, वो इसलिए कि हमारी प्रॉपरली स्टीम जो है वो यहाँ पर लग सके। अब हम इसे कवर कर रहे हैं। कवर करने के बाद हम कम से कम 5 मिनट तक इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे। 5 मिनट बाद हम इसे लो फ्लेम पर ले जाएंगे स्टीम के लिए। ये देखिए 5 मिनट के बाद जो है फ्लेम जो है वो लो कर लेंगे। फ्लेम लो करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट इसे लो फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारी जो है वो शकरकंदी हो गई है तैयार। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से अंदर से गल चुकी है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। हो गई है हमारी शकरकंदी तैयार। शकरकंदी को हमने कर दिया है डिश आउट, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे